एकोंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे सत्संगी दर्शक सज्जनों आप सब दियां आसीसां ते सतगुरां दियां पार बख्शां द्वारा श्री सुखमनी साहब जी की लड़ीवार विचार चल रही है। अज असी अठवीं अष्टपदी के तीजे पद की विचार कर रहे हाँ। इस सारी अष्टपदी में सतगुरां ने ब्रह्म ज्ञानी पद की व्याख्या की है। ब्रह्म ज्ञानी जिसनों वाहिगुरु अकाल पुरख दे नाल हिरदे करके प्रेम है, जिदा मन वाहिगुरु की भगती भी जुड़िया होया है। ब्रह्म ज्ञान ते संसारक ज्ञान दोवां विच बड़ा ही फर्क है। संसारक ज्ञान मन दे विच होमे हंकार ईरखा साड़ा लोभ पैदा करता है। गुरु पातशाह ने संसारक ज्ञान बारे भी सानू चेतावनी करवा दित्ती है। जिहड़ा बंदा संसारक तौर ते कितना भी वड्डा पिया होवे पर जे दिलों मनों वाहिगुरु अकाल पुरख दे नाल प्रेम नहीं करता तां उहदा सारा ज्ञान बल्कि उहदा जीवन ही निरर्थक है, मीनिंगलैस है। 52 अखरी बाणी गुरु अर्जुन देव पातशाह दा पवित्र शब्द है। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंतो मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंतो। कोई बंदा कितना सोहना पिया होवे देखण विच उच्ची कुल दा भी होवे और बहुत ज्ञानवान होवे चतुर मूँह तो बड़े ज्ञान दियां गल्लां करदा होवे और धनवान भी होवे पैसे वाला भी होवे तां वी इतना होण दे बावजूद भी महाराज कहिंदे ने मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। जे परमेश्वर दे चरणा की प्रीत नहीं डिवोशन नहीं श्रद्धा नहीं भावना नहीं तो फिर उसनों जिउंदियां विच शुमार ना समझो तो मुरदे दे समान है। तो सतगुरां ने थाओं थाई बाणी विच इस गल की व्याख्या कर दिती कि संसारक ज्ञान परमेश्वर दे रस्ते ते नहीं चलता। उस ज्ञान लई श्रद्धा प्रेम दा जो है अखर चाहिए हैं ते ओ जिदे कोल होवे उसे नूं उस परमेश्वर दी दरगाह विच माण प्राप्त हुंदा। तो ऐसे ही आचरण वाले मनुख दा विस्थार पूर्वक वर्णन पातशाह ने इस अष्टपदी विच कीता है। तो अज वाले पद विच पातशाह फरमाउंदे हन ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। सब तो पहला दुश्मन परमेश्वर दे रस्ते विच होमे ते हंकार है। तो जिसने हंकार नूं जित लिया है वह सब तो वड्डा सूरमा है। बाणी कहिंदी है सो सूरा वरियाम जिन दुष्ट अहंकरण विचों मारिया। तो सब तो पहला हंकार उत्ते जिन्हें जित प्राप्त कर ली और जड़ा सारिया के चरणों की धूड़ बन गया उसे नूं परमेश्वर दे दर तक रसाई प्राप्त हो सकती है। तो फिर जदों इस अवस्था ते पहुँच जाता है तो मन विच फिर परमेश्वर दे नाम दा रस आउंदा है तो मन रस विच गुड़ूंद हो जाता। हर वेले परमेश्वर दे नाम दे रस विच लीन रहिंदा है ब्रह्म ज्ञानी। इतनी उच्ची सुरत उहदी हो जाती है। भाई साहब भाई गुरदास अपनी
18वीं वार की 20वीं पौड़ी फरमाते हैं ऐसे गुरमुख के आचरण बारे। गुरमुख हो मैं पर हरै मन भावै खसमै दा पाणा, पैरी पै पा खाक होए दरगै पावै मान निमाणा। जो गुरु के रस्ते ते तुर पिया है, गुरु की सिक्ख्या अनुसार तुर पिया है, सब तो पहला काम उदा, सब तो पहला मोर्चा उदा होमे दा गढ़ तोड़ना है, होमे दा किला फतेह करना है। तो होमे त्याग के ते हर हाल विच ओ वाहिगुरु दे हुक्म नू मंदा है और अपना मन सदा ही निम्रता विच रह के पैरी पै पा खाक होए चरणा दी धूड़ बन के अखीर वाहिगुरु दी दरगाह विच ओ माण प्राप्त करदा है। अगे फरमाउंदे हन भाई साहब, राजी होए रजाए विच दुनिया अंदर ज्यो मेहमाना, विस्मादी विस्माद विच कुदरत कादर नो कुनो कुर्बाना। वो हर एक परमेश्वर दी मालिक दी रजा विच राजी है और संसार जिस तरह विचरदा जिस तरह कोई मेहमान होवे, किसे गल उत्ते वो क्लेम नहीं करदा, दाइया नहीं करदा। ते फिर मन विच क्यों जी अवस्था पैदा हो गई, विस्मादी विस्माद विच मन हर वेले वाहिगुरु दे नाम रंग विच रंगिया होया, परमेश्वर दियां नाम ते सिमरन दियां हुलारियां विच रहिंदा, ते ओ हर वेले उस कुदरत नूं वाहिगुरु दी साजी हुई कुदरत नूं वेख के कुरबान जांदा है। बलिहारी कुदरत वसिया तिरंत ना जाई लख्या। तो इतनी उच्ची अवस्था ब्रह्म ज्ञानी नूं प्राप्त हो जांदी है। ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा ना पाया। ब्रह्म ज्ञान की इस उच्ची अवस्था ते पहुँच के सारिया दे उत्ते बख्शिश ते मेहर की नज़र ही पैंदी है और किसे दे वास्ते करनी तो दूर रही, मन विच भी बुराई का भाव पैदा नहीं हुंदा। ये बड़ी उच्ची सुची अवस्था जो प्राप्त होंदी है गुरु के चरणों विचों। इस दे बारे भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी 14वीं वार फरमाते हैं, 14वीं वार की 8वीं पौड़ी विच, कि ऐसे पुरख का जीवन बिरख वर्गा हो जाता। बिरख की उदाहरण लैके ऐसे गुरमुख ब्रह्म ज्ञानी के जीवन का नक्शा साढ़े सामने पेश कर रहे हैं भाई साहब। धरती उत्ते रुख सिर तलवाया, आप सहंदे दुख जग वरसाया। धरती उत्ते रुख पैदा होया, सिर तलवाया, इस तरह लगता उसका सिर हेठां ते जिस तरह पैर उपर होण, और हमेशा ही वह दुख सहिंदा पिया है। जो भी सर्दी गर्मी पाला ठंड हवा ये अपने सिर उत्ते हर वेले सहिंदा है, पर हमेशा ही विकसदा रहिंदा, हमेशा ही खड़िया रहिंदा। किते बिरख कोल चले जाओ, कितना भी मूड ऑफ होवे थोड़ी देर, असी मन भी खिड़ जांदा कुदरत विच जाके। फल दे लाहन भुख वट वगाया, छाम कणी पै सुख मन परचाया। जड़े वटाऊ जड़े पांधी मुसाफर लंघते जाते हैं, उन्होंने ये रुख जड़े हैं ये फल देंदे हैं, छाम देंदे हैं, कणी छाम। गर्मी दे मारे हुए यात्रू कुछ देर घने बिरछां थले बैठ के सुख दा साह लेंदे हैं, मन परचांदे हैं। वड़न आए मनुख आप तछाया, विरले ही सनमुख पाना पाया। जे को उन्होंने आण के वड़दा भी है तां भी अपना आपा कटवा लेंदे हैं, अड़ी नहीं करते। इहो जे ही ब्रह्म ज्ञानी का चरण है, हरेक हालत विच वाहिगुरु अकाल पुरख का वह भला मनाउंदा है, मनुखता का भला मंगवाउंदा है। तो उहदे कोलों कदे किसे दी बुराई दी कदे आस कीती नहीं जा सकती, वह हर एक का ही भला मंगदा है, सारी मनुखता का भला मंगदा है। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। समदर्शी भाव हर एक लई इको जिहा मन विच भाव होना, और फिर हिरदे करके भी अपने मन दे संकल्पां विकल्पां करके भी समदिष्ट हो जाना, दुख सुख नूं इको तरह लैना। गौड़ी ग्वारेरी विच पातशाह गुरु रामदास महाराज फरमाउंदे हन,
हरक सोग दूहू ते मुक्ते सदा अलिप्त जोग अर जुगते। उस वाहिगुरु अकाल पुरख नाल जुड़े हुए मनुख मन करके ना हरक ते ना सोग भाव खुशी गमी दोहां तों उपर हो जांदे है ते सदा ही अलिप्त रहिंदे है और हर वेले वाहिगुरु दे नाम सिमरन विच ही जुड़े रहिंदे है मन करके। दीसें सब मैं सब ते रहते पार ब्रह्म का ओ ध्यान धरते। उपरों सारिया नाल उन्हां दी वरतों व्यार हुंदी है अपने कारोबारी संसारी कारबारी सारे कारज वह अटेंड करते हैं पर विच्चों मन करके वह सब तो अलग हैं। उन्हां दा मन हर वेले अपने वाहिगुरु अकाल पुरख दे नाल जुड़िया रहिंदा। तो इस तरह नाल समझिष्टता अंतरात्मा विच भी प्राप्त हो गई ते बार मुखे भी समझिष्टता है ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वरसी। जदों मन करके उच्ची अवस्था प्राप्त हो गई मन शांत मन प्रेम रस विच लीन हो गया तो फिर शरीर विचों भी वाहिगुरु के सिमरन दियां धुनां गूंजदियां हन और फिर हर वेले शरीर विचों शांति दा प्रेम दा संचार हुंदा। जिहड़ा भी ब्रह्म ज्ञानियां दे ऐसे उच्चे सुच्चे पुरशां दे दर्शन कर लैंदा उहदा हिरदा भी ठंडक नाल शीतलता नाल प्रेम नाल भर जांदा है। साहिब सुगुरु अंगद देव पातशाह दे दर्शन दीदार करन वाले आत्मक दर्शन करन वाले पट जी उन्हां दे बारे जो सवाईयां विच लिखदे हन कि गुरु अंगद पातशाह तेरी दृष्टि विच अमृत है ते इस अमृत दृष्टि नाल तू हर एक दा भला कर रहे हैं ते तेरे दर्शन करके ही सारयां दे पाप कट्टे जांदे हन। फरमाउंदे हन पट जी अम्या दृष्ट सुभरै करै अम्या दृष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सब है बल। हे गुरु अंगद पातशाह जीओ तुसी अपनी अमृत दृष्टि नाल सारयां दा मन ठार देंदे हो सारयां दे हिरदे विच शांति प्रेम दा संचार कर देंदे हो ते सारे अग पाप दुख कलेश ते पापां दा तुहाडी अमृत दृष्टि नाल ही नाश हो जांदा है सारे मन दी मैल खत्म हो जांदी है तुहाडे दर्शन कीतियां ते मन नूं हर वेले जिहड़े मन विच खोरू पांदे रहिंदे हन बड़े पहलवान हन तकड़े काम क्रोध अर लोभ मोह ये पंजे जो महाबली हन इन्हां दा भी वस करै सब है बल। जदों आप जी की नज़र पै जाती है तो पंज महाबली भी वस विच आ जाते हैं। तो इस तरह नाल एक उच्ची अवस्था प्राप्त हो गई और उहदा प्रभाव भी आले दुआले हरेक संपर्क वाले व्यक्ति उत्ते पैंदा है उन्हां दी दृष्टि विचों अमृत चढ़दा है जिन्हां दे हिरदे परमेश्वर का नाम वस जाता है। पातशाह अगे फरमाउंदे हन ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। संसार दा कोई बंधन फिर ब्रह्म ज्ञानी नूं अपने पकड़ विच नहीं लै सकदा अपनी जकड़ विच नहीं लै सकदा ते उन्हां दा सारा जीवन ही उच्चा सुच्चा हो जांदा। इहो जी अवस्था दे मालक गुरसिख बारे गुरु महाराज साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह दा फरमान है सोरठ राग विच जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेह अर भय नहीं जाके कंचन माटी माने। कोई बंधन नहीं है दुख आ गया तां वी सुख आ गया तां वी जे किते तन पदार्थ कंचन प्राप्त हो गया तां वी ते जे किते कुछ भी प्राप्त ना होया जो कुछ है सी वह भी चला गया तां वी इको जी अवस्था है। तो किसी चीज़ का बंधन मन उत्ते नहीं पिया ते जीवन आचार भी उच्चा सुच्चा हो जाता है। अगे जा के पातशाह ऐसे शब्द फरमाते हैं गुरु पातशाह गुरु नौवें महाराज नै निंदा नै उस्तत जाकै लोभ मोह अभिमाना हरक सोग ते रहै न्यारो नाहे मान अपमाना। कदे उन्हां दी कोई निंदा पिया करे कोई उन्हां दी वडियाई भी पिया करे
उन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, उन्हां दा कोई माण नहीं, कोई अभिमान नहीं, वह हर वेले उच्ची सुची आत्मक अवस्था विच कायम रहिंदे हन। तो ऐसी उच्ची अवस्था, हर तरह के बंधनों तो मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई है। तो ब्रह्म ज्ञान दे नाल, परमेश्वर दे प्रेम में ही ज्ञान दे नाल ऐसी उच्ची अवस्था प्राप्त हो जाती है, तो उन्हां दा जीवन भी उच्चा सुचा हो जाता है, जीवन की जुगत ही सुधर जाती है। ऐसी वाहिगुरु की बख्शिश हो जाती है, उहदा जो है नाम सिमरन करके ऐसा उच्चा सुचा आचार बन जाता। तो सारे ही पद जिहड़े बाणी च आए हन, संत, भगत, गुरमुख, ब्रह्म ज्ञानी, ये सारे ही लगभग समान अर्थक हैं। तो यो जे पुरुष संत भी कह लईए, भगत कह लईए, श्लोक कबीर विच कबीर जी का फुरमान है, यो जे संतां दा चरण वो एक श्लोक विच बयान कर रहे हैं, कबीर संत न छाड़ै संतई, जो कौटिक मिले संत, मलयागर भयंगम बेड्यो, ता शीतलता ना तजंतो। तो कोई भी किसी तरह का विहार करे संतां नाल, उन्हां दा संत पद जिहड़ा है उसनूं कोई ठेस नहीं पहुँचा सकता। करोड़ां ही उन्हां नूं असंत पे मिलन, दुष्ट में मिलन, दोखी पे मिलन, वह हर एक उत्ते कृपा करते हैं, हर एक दे उत्ते मेहर करके उहदे जीवन नूं सुधारन संवारन की कोशिश करते हैं। जिस तरह के बड़ी सोहनी उदाहरण दे रहे हैं भगत कबीर जी, मलयागर पयंगम बेड़ियो तां शीतलता ना तजंत। जिहड़ा चंदन दा बिरछ हुंदा है, बड़ा ठंडा हुंदा है, सुगंधित हुंदा है, ते अक्सर कहा जांदा है भी बड़े बड़े जहरीले सप चंदन की सुगंधी तो प्रभावित होकर चंदन के बिरछ दुआले लिपटे रहिंदे हन, ते उह सारे सप बड़े जहरीले हन, इतनिया सप्पां दे घेरे विच आण करके भी चंदन दा पेड़ जिहड़ा है वह अपनी शीतलता नहीं छड़दा, अपनी सुगंधी नहीं छड़दा। तो इस तरह दा संतां दा चरण हुंदा है, ब्रह्म ज्ञानियों दा चरण हुंदा कि वह उच्चे सुचे रहिंदे हन, वह संसार दे वाब रोलियां विचों, संसार दे कष्टां विचों, दुखां विचों भी उभर के अपना मन हमेशा ही वाहिगुरु अकाल पुरख दे चरणां नाल जोड़ी रखते हैं। तो वह शक्ति जी उन्होंने प्राप्त होंगी है, वो ही उन्होंने इतना उच्चा जीवन जीवन की प्रेरणा देती है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। तो ब्रह्म ज्ञानी हर वेले वाहिगुरु अकाल पुरख दे नाल अपनी सुरत अपनी लिव जोड़ के रखता है, तो परमेश्वर दी जितनी भी लीला है उहदियां झलकियां उहदे नज़ारे वेखदा है, ते कुदरत विचों ओ वाहिगुरु अकाल पुरख नूं ताको ताक वरतदा अनुभव करदा है। तो ये जो अनुभवी ज्ञान है ये लगातार ही वह संचन कर रहा, जिस तरह असी संसारी लोग भोजन उत्ते डिपेंड करते हाँ, कुछ समय बाद सानूं भोजन छकना पैंदा है, इस तरह ब्रह्म ज्ञानी हर वेले ही वाहिगुरु के नाम भोजन विच लीन रहिंदा। परमेश्वर की कुदरत नूं ब्रह्म दृष्टि नाल वेखदिआं ओह उहदे तों सदके ते बलिहारे जांदा, ते जदों इह नवें दिन कुदरत दे नवें दर्शन करदा उहनूं कुछ होर ही रस अगे नालों वधेरा रस प्राप्त हुंदा है। तो इहो जिहा भोजन ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी का हो जाता, हर वेले उहदा मन ब्रह्म दे विच परमेश्वर के नाम विच उहदी सुरत जुड़ी रहिंदी है। तो इहो जी अवस्था दे मालकां वाले भाई साहब भाई नंद लाल जी अपनी ग्रंथ जिंदगी नामा च लिखते हैं, हुए शाह इलमो अदबरा मजहर अस्त, रूए शाह रोशन जे मेरे अनवर अस्त। भाव ब्रह्म ज्ञान की अवस्था ते पहुंचे हुए महापुरशां दा वतीरा जिहड़ा है विद्या ते अदब वाला हुंदा है, उन्हां दे हर एक बोल विचों हर एक लहजे विचों अदब प्रकट हुंदा है, ज्ञान प्रगट हुंदा है, वह प्रकाशमान सूरज की तरह ही हैं, जिस तरह सूरज तो सब नूं रोशनी मिलती है, इस तरह ब्रह्म ज्ञानियों तो सब तो ब्रह्म ज्ञानियों तो सब नूं ब्रह्म ज्ञान
आत्मक ज्ञान रबी ज्ञान प्राप्त होंदा है। उन्हां दा हर कर्म ही हर क्रिया ही हर बोल ही वाहिगुरु दे नाम नाल जोड़न दी प्रेरणा दिंदा है। बिलावल राग विच साहिब सुगजन देव पातशाह दा ही फरमान है, संतन कै सुनियत प्रभ की बात, कथा कीर्तन आनंद मंगल तुन, पूर रही दिन सिर रात। यो जी उच्ची आत्मक अवस्था ते पुजे हुए संत हमेशा ही प्रभु दियां गल्लां वाहिगुरु दियां गल्लां करते हैं। उन्हां नूं होर संसार दियां गल्लां चंगे नहीं लगदियां, हर वेले ही कथा कीर्तन आनंद मंगल उन्हां दे हिरदे विचों गूंजदी रहिंदी है ते दिन रात उन्हां दा मन वाहिगुरु दे चरणां नाल जुड़िया रहिंदा है। तो इस तरह की उच्ची अवस्था वाहिगुरु दे सिमरन द्वारा प्राप्त हुंदी है और नाम सिमरन वाले हर वेले उस अवस्था विच ही गुआचे रहिंदे हन। और जिहड़ा कोई उन्हां कोल उन्हां दे दर्शन करन लई जांदा उन्हां दी संगत करन लई जांदा वह भी नाम रस विच लीन हो के मुड़दा है, उसनों भी वह लाग लग जाती है। तो इस प्रकार अंतरात्मा करके वाहिगुरु दे नाम सिमरन विच जुड़े हुए मनुख संसार दे सर्वोच्च मनुख हन, सब तो उच्चे सुचे मनुख हन। और इन्हां मनुखां करके ही आले दुआले शांति मित्रता भाईचारा प्रेम ये सारियां मनुखवादी बिरतियां उजागर होंदियां हन। ये ठीक है साडे लोकां दा बहुता ध्यान बुराई वल जांदा है, दुखां वल जांदा है, संसार दे उपद्रवां वल जांदा, कलेशां वल जांदा, साडी कोई मैंटैलिटी उह जी बन गई। पर जे थोड़ा जिहा असीं अपना मन एकागर करके संसार वल डूंघी नज़र मारीए तां इहो जे ज्ञानी पुरश नाम सिमरन विच रस्ते हुए पुरशां दा वी साडे मन ध्यान आएगा और जदों साडी सुरत उहनां दे ध्यान विच जुड़ेगी तां लगेगा वी जिस तरह दुखां ते तपशां मारे साडे हिरदे विच कोई ठंडी मिठी हवा दी रुमक पई है। तो इस करके सानू भी अपने जीवन विच इहो जे पुजे हुए मनुखां दी खोज करनी चाहीदी और उन्हां नाल मिलन दी कोशिश करनी चाहीदी है। गुरबाणी दा ज्ञान तो महान है ही, पर संतां दी संगत गुरमुखां दी संगत ब्रह्म ज्ञानियों दी संगत उस ज्ञान नूं एक्टिवेट कर दिंदी है और सानू फिर उस ज्ञान दे नाल जुड़न लई होर बड़ी प्रबल प्रेरणा मिलती है। तो इसे करके पातशाह ऐसे गुरु प्यारियां दे बड़े सोहने चित्र बाणी विच खिंचदे हन। यह तो सारी बाणी ही अमृतमयी है जिदे विच जीवन का आचार उच्चा सुच्चा बनाउण का उपदेश किया गया। तो सारे पद की संखेप विचार है, द गॉड कॉन्शियस बीइंग इज द डस्ट ऑफ ऑल, ही हैज अटेन्ड द इनर स्पिरिचुअल ब्लिस, द गॉड कॉन्शियस परसन शोज काइंडनेस टू ऑल, नो इवल एवर कम्स फ्रॉम हिम, द गॉड कॉन्शियस मैन इज ऑलवेज इम्पार्शियल, नेक्टर रेन्स डाउन हिज आईज, द गॉड कॉन्शियस पर्सन इज फ्री फ्रॉम एंटेंगलमेंट्स, हिज लाइफ स्टाइल इज स्पॉटलेसली प्योर, स्पिरिचुअल विजडम इज द फूड ऑफ द गॉड कॉन्शियस बींग, ओ नानक ही इज एवर एब्जॉर्ब्ड इन गॉड्स मेडिटेशन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।